जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सुंड वाले विशाल शरीर काय करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। जय हिंद बच्चों, मैं आपके हिंदी टीचर कंचन राठौर। आज मैं आपको अनुच्छेद लेखन समझाने वाली हूँ, जो कि हम अपना ये चैप्टर क्लास में भी कर चुके हैं, लेकिन मैं इसका एक्सप्लेन वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, है ना बच्चों, और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो पहले आ जाइए आप अपने हिंदी ग्रामर के पेज नंबर 12 पे, 112 पेज नंबर 112 हिंदी ग्रामर हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 21 अनुच्छेद लेखन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग। ओके, अब आ जाइए आप यहाँ पे और मेरे साथ आप बुक खोल के बैठिए और पढ़िए। किसी दिए गए विषय पर क्रमबद्ध रूप से अपने विचार लिखना अनुच्छेद कहलाता है। क्रमबद्ध मतलब कि सीरियल वाइज, अगर आपको दिया गया कोई भी विषय है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसके बारे में आपको लिखना है तो आप उसको सीरियल वाइज लिखेंगे, है ना, 1 2 3 पॉइंट करके, या फिर आप पॉइंट नहीं लगाना है अनुच्छेद पैराग्राफ राइटिंग, पॉइंट नहीं लगाते हैं, सिर्फ अपने मन में यह विचार करते हैं कि पहले हमें क्या लिखना होगा, दूसरे नंबर पर हमें क्या लिखना है, तीसरे नंबर पर हमें क्या चीज़ का ध्यान रख के लिखना है, तो उसे हम बोलते हैं क्रमबद्ध रूप में अपने विचार लिखना। ठीक है, अनुच्छेद लेखन द्वारा विद्यार्थी की कल्पना शक्ति, बेटा आपकी जो मतलब कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन को, उसकी पावर को, इमेजिनेशन पावर और रचनात्मकता, मतलब कि आप कितना ज़्यादा किसी चीज़ को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हो, रचनात्मकता, शब्द भंडार, शब्द भंडार मतलब कि वोकेबलरी, तथा मौलिकता का विकास होता है। मौलिकता मतलब कि आप आज के ज़माने में कैसे रहते हो, कैसे आपका व्यवहार है, तो आपको वो मौलिकता का भी विकास होता है उसमें। अनुच्छेद लिखते समय विद्यार्थियों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पहला आता है सर्वप्रथम दिए गए विषय पर सोचना चाहिए। जो भी आपको विषय दिया जाता है ना बच्चे, मानकर चलो आपको मैंने अगर विषय दिया है आपका फेवरेट कोई फेस्टिवल, ठीक है, तो सर्वप्रथम आप उस फेस्टिवल के बारे में सोचोगे, सर्वप्रथम तो सबसे पहले, ठीक है, तो उस विषय पर आप सोचना शुरू करोगे, फिर विचारों को व्यवस्थित करना, फिर उस फेस्टिवल के बारे में जो आपने सोचा है उन विचारों को व्यवस्थित कैसे करोगे, सबसे पहले कि आप फेस्टिवल कब मनाते हो और आपको फेस्टिवल क्यों पसंद है, फिर आप उस फेस्टिवल में क्या करते हो, तो इन विचारों को व्यवस्थित करना होगा। फिर उसके बाद वाक्य स्पष्ट तथा छोटे होने चाहिए। बच्चों जब भी हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं वो निबंध की तरह बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, हम पैराग्राफ राइटिंग में एक पैरा लिखते हैं, है ना, एक बोलते ना कि एक अनुच्छेद लिखते हैं, पैरा लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है आपको स्पष्ट और छोटे शब्द, छोटे वाक्य में पूरा करना है उनको, है ना, तो भाषा सरल और प्रभावपूर्ण और प्रभावशाली होना चाहिए। सरल मतलब इजी, प्रभावपूर्ण मतलब चलित होना चाहिए, आप जो भी भाषा यूज़ कर रहे हो ना, प्रवाह, उसमें प्रवाह होना चाहिए कि आप उसको पढ़ने में और तल्मीन, मतलब और उसको पढ़ने में और ध्यान लगाओ, तो इस तरह का प्रवाह उसमें होना चाहिए। दूसरा होता है प्रभावशाली होना चाहिए, वो इतनी प्रभावशाली शब्द आपने लिखे हुए होते हैं कि वो सुनने और पढ़ने में भी अच्छे लगे, ठीक है। मुहावरे दोहो अथवा कविता की पंक्तियों का यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। अब मुहावरे दोहे और कविता, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब अनुच्छेद लिख रहे होते हैं तो उसको और छोटा करने के लिए हम मुहावरों का यूज़ करते हैं। आप तो जानते हैं ना मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे किसी भी बड़े अर्थ को छोटा करने के लिए होता है, ठीक है, तो दोहों, दोहा मतलब कि जैसे कभी के दोहे होते हैं, इस तरह के दोहे आप उसमें उपयुक्त कर सकते हैं।
तथा कविता की पंक्तियाँ। अगर कोई कविता ऐसी हो जो अनुच्छेद से रिलेटेड, अनुच्छेद के विषय से रिलेटेड है, तो आप उस कविता के पंक्ति को भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, मूल विषय से भटकना नहीं चाहिए। आपका जो मूल विषय, मतलब कि जो सब्जेक्ट है, जो आपको दिया गया विषय है, आपको उससे हटना ही नहीं है। आपकी शुरुआत भी उसी विषय से होगी और अंत भी उसी विषय से रिलेटेड होगा। ठीक है, अंत प्रभावशाली होना चाहिए और अंत में आपको इतना प्रभावशाली अनुच्छेद का इतना प्रभावशाली पार्ट रखना चाहिए ताकि उसका जो मतलब पूरा अनुच्छेद आपने लिखा ना, उसका एक सार उसमें हो। ठीक है, अब जैसे कि आपको कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं बच्चे, है ना, आपको कुछ पॉइंट में अनुच्छेद दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अनुच्छेद दिए हैं, लेकिन आपको पता है मैं आपको फर्स्ट सेकेंड टर्म में कुछ ही अनुच्छेद दे रही हूँ। ठीक है, जो कि मैंने आपको टिक भी लगाए थे, है ना। तो पहला है पुस्तकालय, दूसरा है अपना वसंत ऋतु, तीसरा है प्रकृति और हम, और चौथा और पांचवा आपकी जो अभ्यास में है, एक्सरसाइज में। ठीक है, तो मैं उन्हीं को आज समझाने वाली हूँ। पहला है पुस्तकालय। बच्चों, कभी भी अनुच्छेद आता है, अगर आपको सवाल अनुच्छेद आपके एग्जाम पेपर पे आए, तो उसमें हमेशा संकेत बिंदु दिया जाएगा। अनुच्छेद के साथ एक संकेत बिंदु जरूर दिया जाएगा। इसमें जैसे संकेत बिंदु में क्या क्या पॉइंट होंगे, जैसे पुस्तकालय में दिया है ज्ञान का भंडार, पुस्तकों की आवश्यकता, तरह तरह की पुस्तकें, विद्यार्थियों का कर्तव्य। अब इन पैरामीटर से, ये जो आपको दिए ना पॉइंट्स, इन सब से आप एक अच्छा अनुच्छेद बना सकते हैं। ठीक है, आपको किस धारा में और किस प्रवाह में बहना है, इस अनुच्छेद के साथ उन विचारों को कैसे रखना है, वो हमें इन पॉइंट से भी पता चल सकता है। जैसे ज्ञान का भंडार, अब जैसे मैं बताती हूँ पुस्तकों की आवश्यकता, तरह तरह की पुस्तकें और विद्यार्थियों का कर्तव्य, है ना। अब देखिए, सुनिए बच्चों, पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। किसका भंडार होती है? ज्ञान का। विद्यार्थियों का पुस्तकों से गहरा संबंध है। अब आप समझे ना कि ज्ञान का भंडार, ठीक है, पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। ठीक है, विद्यार्थियों का पुस्तकों से गहरा संबंध होता है, क्योंकि विद्यार्थी और पुस्तकें एक दूसरे की पूरक हैं, है ना। विद्यार्थी बिना पुस्तक के कभी स्कूल में पढ़ ही नहीं पाता, है ना। तो विद्यार्थियों का पुस्तकों से गहरा संबंध है। जीवन में प्रगति करने के लिए पुस्तकालय बहुत उपयोगी है। अब प्रगति मतलब कि प्रोग्रेस, अगर आपको जीवन में प्रोग्रेस करनी है तो आपको पुस्तकालय बहुत उपयोगी है। कैसे? इसी कारण हर विद्यालय में एक पुस्तकालय अवश्य होता है। ठीक है, आपने देखा होगा आपके स्कूल में है लाइब्रेरी, तो हर स्कूल में लाइब्रेरी होती ही है, और वहाँ पर एक तरह की अलग अलग राइटर की टेक्स्ट बुक्स भी होती हैं, है ना, और कहानियों और किस्सों की भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में होती हैं, ज्ञान की भी होती हैं, जनरल नॉलेज की भी होती हैं। तो इसलिए पुस्तकालय हर विद्यालय में होता है। हमारे विद्यालय में भी एक पुस्तकालय है जहाँ अनेक भाषाओं की तथा हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध हैं। हमारे विद्यालय में पुस्तकें अलग अलग विषयों के अनुसार अलग अलग अलमारियों में रखी गई हैं। जैसे कि आप जाओगे ना लाइब्रेरी में, तो आपको सब पुस्तकें अलग अलग विषय के अनुसार जमी हुई दिखेंगी। ठीक है, जैसे साइंस है तो साइंस से रिलेटेड बुक्स उसमें होगी, पूरा एक शेल्फ रहता है, पूरा एक बड़ा बड़ा शेल्फ रहता है, उसमें एक पूरे उसमें आपकी साइंस की होगी, एक में हिंदी या एक में इंग्लिश। तो इस तरह से अलग अलग बुक्स आपको अलग अलग जगह मिलेंगी, मतलब अलग अलग विषय की बुक्स। किसी भी विषय के बारे में कुछ जानना हो तो हम पुस्तकालय में जाकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप किसी भी विषय में जानना चाहते हो तो पुस्तकालय में जाके उस विषय की बुक्स पढ़ के आप उसकी जानकारियां ले सकते हो। ओके, बहुत उपयोगी होती है विद्यालयों में एक पुस्तकालय अवश्य है। ओके, हाँ, अलग अलग विषयों की होती है, किसी विषय के बारे में जानना पुस्तकालय में जाकर उसकी जानकारी ले सकते हैं। हमारे लिए हर विषय की पुस्तक खरीदना संभव नहीं होता, क्योंकि हम हर विषय की पुस्तक और हर विषय को जो एक विषय है ना उसकी अलग अलग राइटर्स की बुक भी हम नहीं ले सकते हैं, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पर पुस्तकालय जाकर अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। हम पुस्तकालय में जाकर सेम टॉपिक अलग अलग नोटबुक, अलग अलग टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं।
ठीक है। पुस्तकालय में पुस्तकों के अतिरिक्त पत्र पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र भी पढ़ सकते हैं। पत्र पत्रिकाएं मतलब कि ना छोटी छोटी जनरल नॉलेज की कुछ बुक्स आपको वहाँ मिलती हैं, है ना, वो जनरल अवेयरनेस की, करंट जनरल अवेयरनेस की बुक्स होती हैं। इसके अलावा कुछ बॉलीवुड हॉलीवुड, लेकिन ये सब क्या होता है कि स्कूल में नहीं मिलेंगी, है ना। जनरली जो बड़े बड़े पुस्तकालय जो जैसे सिटी वाइज कोई बुक वो हो, लाइब्रेरी हो, तो वहाँ मिलेगी। समाचार पत्र भी पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों का यह कर्तव्य है कि वह पुस्तकालय में शांति रखे तथा पुस्तकें पढ़ने के उपरांत मतलब बाद में उन्हें यथास्थान पर रख दें तथा पुस्तकें गंदी ना करें। पुस्तकें कभी गंदी नहीं करना चाहिए, वो एक मतलब एक कैपिटल होती है, वो लाइब्रेरी की कैपिटल होती है, वो वहाँ की धरोहर है, आप उसको गंदा नहीं कर सकते, है ना। पुस्तकालय के नियमों का पालन करें और पुस्तकालय के जो भी नियम हैं उनका आप पालन करिए, ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है। कंप्यूटर में आपको इस फर्स्ट टर्म में नहीं पूछने वाली हूँ और सेकंड टर्म में भी आपका ये विषय तो आएगा ही नहीं, अनुच्छेद, है ना, तो कंप्यूटर आपको स्किप करना है। वसंत ऋतु बच्चों, मैं इस फर्स्ट टर्म में वसंत ऋतु, सेकंड जो है वो वसंत ऋतु लेने वाला है, इसमें टिक भी लगा लीजिए, ओके। अब हम पढ़ते हैं वसंत ऋतु। संकेत बिंदु, भारत की ऋतुएं प्रकृति का सर्वोत्तम रूप, सभी का मन प्रसन्न होना। संसार में भारत ही ऐसा देश है जहाँ सारी ऋतुएं बनाई जाती, देखा ना, भारत ही की ऋतुएं, तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सारी ऋतुएं मनाई जाती हैं, सारी ऋतुएं आती हैं, गर्मी, वर्षा, सर्दी और वसंत। वसंत ऋतु का आगमन भीषण सर्दी के बाद होता है, जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना उसके बाद वसंत ऋतु आती है ना, इसे वसंत ऋतु कहते हैं, इसे पतझड़ बोलते हैं और इसका एक और नाम है स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग सीजन। सर्दी के बाद ही होता है इसका आगमन, आगमन मतलब उसका आना। वसंत ऋतु सभी ऋतुओं में सबसे सुहानी ऋतु है। सुहानी मतलब क्या होता है, सुंदर, सुहानी मतलब सुंदर, मन को खुश कर देने वाली, है ना। इस ऋतु में ना तो अधिक सर्दी होती है और ना ही गर्मी। यह ऋतु फरवरी मार्च में होती है। इस ऋतु में प्रकृति अपने सर्वोत्तम रूप में होती है, सर्वोत्तम रूप मतलब सबसे अच्छे रूप में होती है इस ऋतु में, है ना। और इसके आगमन कब होता है, फरवरी और मार्च में। चारों ओर बागों में फूल खिले होते हैं, फूलों पर भंवरे गुंजार करते दिखाई देते हैं। फूलों पर भंवरे गुंजार मतलब भंवरों की जो आवाज़ होती है ना उसको गुंजार बोला गया है ना, भंवरे तो आप समझते हैं ना, तो भंवरे गुंजार करते दिखाई देते हैं। तितलियां मंडराती हैं, बता, जब तितलियां घूमती हैं यहाँ वहाँ उड़ती हैं तो उनको मंडराना बोलते हैं, तो तितलियां मंडराती हैं। आमों में बोर आने लगते हैं और कोयल की कूक सुनाई देती है। तो इस मौसम में क्या होता है, आमों में बोर आने लगते हैं, मतलब नए आम अंकुरित, मतलब पेड़ों में नए आम आने चालू हो जाते हैं और कोयल की कूक सुनाई देती है। इस ऋतु में शीतल तथा मंद मंद पवन बहुत सुखदायी लगती है। वसंत पंचमी तथा होली का त्यौहार भी इसी ऋतु में आता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के मन प्रसन्नता से खिल उठते हैं। शीतल मतलब कि ठंडी और मंद मंद मतलब धीरे धीरे, है ना। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी का मन प्रसन्नता से खिल उठते हैं और शायद इसीलिए इसे ऋतुराज कहते हैं। ऋतुराज मतलब ऋतुओं का राजा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया सेकंड नंबर का अनुच्छेद। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट अनुच्छेद में ले रही हूँ नंबर 5 का, प्रकृति और हम, पॉइंट नंबर 5 वाला, ठीक है। आप इसमें आ जाइए, मैं आपको ये रीड कराऊंगी। संकेत बिंदु इसमें क्या दिए हैं, पेड़ पौधे प्रकृति की अनुपम सौगात। अनुपम सौगात मतलब बहुत अतुल्य, मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो, बहुत सुंदर, अनुपम। सौगात मतलब कि गिफ्ट, ठीक है, प्रकृति की, एनवायरमेंट, ओके ओके। देन उपयोगिता, प्रदूषण के कारण तथा परिणाम। प्रकृति और मानव का पुराना संबंध है। जब भी हम बात करते हैं ना प्रकृति और हम,
तो प्रकृति और मानव का पुराना संबंध है, क्योंकि बिना प्रकृति के मानव सभ्यता विकसित ही नहीं होती। प्रकृति ही मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी करती या आ रही है ना, उसकी सारी आवश्यकताएं मनुष्य की कौन पूरी कर रहा है? प्रकृति। मनुष्य सदा से ही पेड़ पौधों पर आश्रित रहा है। पेड़ पौधे प्रकृति की एक अनुपम सौगात है। पेड़ पौधों ने सदा मानव को संरक्षण दिया है। पेड़ पौधे हमें फल, फूल, शुद्ध हवा, लकड़ी तथा ईंधन देते हैं, पर आज मनुष्य लालच में आकर लगातार पेड़ पौधों को काटकर वनों को नष्ट करता जा रहा है। अब आप समझे इसमें क्या हो रहा है, इसमें अनुपम सौगात, उसकी प्रदूषण के कारण, वो सब बताए जा रहे हैं हर पैरा में, देखिए हर पॉइंट में, और हर पॉइंट को एक वाक्य में पूरा किया जा रहा है। जैसे कि इससे वह स्वयं अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। पांवों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब खुद का नुकसान करना, ये एक मुहावरा है। जैसे मैंने आपको बोला था ना, अनुच्छेद में मुहावरा का प्रयोग किया जाता है। उन्हें बिना सोचे समझे काटता जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण में बदलाव आ रहा है और प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पेड़ पौधे कटेंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा, प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ता जाएगा, और इस वजह से निरंतर प्रदूषण बढ़ता जाएगा, है ना। प्रदूषण घटे, बाढ़ ना आए, अकाल ना पड़े। पहली बात कि प्रदूषण घटे, प्रदूषण घटने घटाने के लिए, कम करने के लिए, बाढ़ ना आए इसके लिए, अकाल ना पड़े, अकाल मतलब भूखी ना पड़े, भूखा ना पड़े। जैसे अपने आसपास कभी भी कोई चीज़ की कमी ना हो, उसे अकाल बोलते हैं, कमी ना पड़े, इसके लिए हमें पेड़ लगाने होंगे। अगर हम लोग अपनी उपयोगिता के लिए एक पौधा लगाते हैं, एक पेड़ लगाते हैं, नहीं एक पेड़ काटते हैं, तो हमें दो पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों पर हम तथा पक्षी जगत निर्भर है। पेड़ों के कटने से अनेक पशु पक्षियों की जातियां भी समाप्त हो रही हैं। आप तो ये जानते हैं पेड़ पौधों पर कितने जीव जंतु आश्रित होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी कटाई और छटाई हो रही है, उसकी वजह से बहुत से जानवरों की जातियां तो विलुप्त ही होती जा रही हैं। मनुष्य यदि इस प्रकार पेड़ पौधे काट कर प्रकृति को हानि पहुँचाता रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब यह हरी भरी प्रकृति और वन बंजर हो जाएंगे। देखिए अगर ऐसे ही पेड़ कटते रहे तो उसको इतनी हानि होगी कि ये पूरी हरी भरी प्रकृति है ना, बंजर में बदल जाएगी। बंजर मतलब खालीपन, सब जगह सूखा, बंजर, बिना पेड़ पौधों का। अतः हमें समय रहते ही सचेत होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका तीन अनुच्छेद मैंने करा दिए हैं। अभी हम नेक्स्ट अनुच्छेद में आते हैं, जो कि आपके अभ्यास से है। ठीक है, अभ्यास से मैं आपको तीन अनुच्छेद और देने वाली हूँ। ठीक है, तो पहला है जो आपके अभ्यास में दिया है, प्रश्न नंबर एक में, इन प्रश्नों के आधार पर शीर्षक जब मैंने पहली बार चाय बनाई पर एक अनुच्छेद लिखी। देखिए कभी कभी संकेत बिंदु आते हैं, कभी कभी आपको ये भी आएंगे कि आपको ये शीर्षक पढ़ के जब मैंने पहली बार चाय बनाई पर अनुच्छेद लिखी, तो वो शीर्षक जो आपकी पुस्तक में लिखे हैं ना, आपके किस में वो लिखे हैं, टेक्स्ट बुक में, उसमें क ख ग घ ण और च, क में लिखा है उस दिन मेरे मन में चाय बनाने की सोची इच्छा क्यों हुई मुझे, और मेरी बात सुनकर माँ ने क्या कहा, मुझे चाय बनाना सिखाते समय माँ ने क्या क्या सावधानी रखने को कहा, चाय बनाते समय माँ ने सबसे पहले क्या कहा, माँ ने उबलते पानी में सबसे पहले क्या डालने को कहा, मेरे हाथ की बनी चाय किस किसने पी और क्या कहा। तो ये सब जो टॉपिक है ना, जो शीर्षक में दिए हुए हैं आपको अभ्यास में, पेज नंबर 114 हिंदी व्याकरण में, उसका ही उसमें उससे ही अनुच्छेद बना है। अनुच्छेद कभी पॉइंट में नहीं होता है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ उसके संकेत बिंदु पॉइंट में हो सकते हैं, उसके शीर्षक पॉइंट में हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद आपको एक पैराग्राफ में लिखना है, पैराग्राफ में, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, तो पैराग्राफ राइटिंग करनी है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं, जब मैंने पहली बार चाय बनाई पर अनुच्छेद। मेरी माँ हम सब के लिए प्रतिदिन चाय बनाती है। एक दिन मैंने माँ से कहा कि आज मैं आपको और पिताजी को चाय बनाकर दूंगी। मेरी बात सुनकर माँ मुस्कुराई, फिर बोली कि चलो मैं तुम्हें चाय बनाना सिखाती हूँ। देखा ना अपने पहला पैराग्राफ में क्या था कि उस दिन मेरे मन में चाय बनाने की इच्छा हुई और मेरी बात सुनकर माँ ने क्या कहा। तो इसका आंसर ये है इस तरह से, पर चाय बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि चाय के गर्म बर्तन को कपड़े से पकड़कर ही छूना चाहिए, गैस से थोड़ा दूर खड़े होकर चाय बनानी चाहिए।
अभी तीसरा पॉइंट, मुझे चाय बनाना सिखाते समय माँ ने क्या क्या सावधानी रखने को कहा। फिर आ जाइए नेक्स्ट में, अब सबसे पहले पानी को गर्म करने के लिए गैस पर रख दो और उसे उबलने दो। अब इसका नेक्स्ट क्या था, चाय बनाते समय माँ ने सबसे पहले क्या कहा, तो सबसे पहले क्या कहा, पानी रखने को कहा, है ना। पानी उतना ही रखो जितनी कप चाय बनानी है। पानी उबलने पर गैस कम कर दो, ठीक है। फिर उसमें चाय के कपों की मात्रा के अनुसार सबसे पहले पत्ती डाल दो, उसके बाद दूध और चीनी डालकर उसे उबाल लो। अब इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो क्या था, माँ ने उबलते पानी में सबसे पहले क्या डालने को कहा, है ना। तो उसका ये तरीका है कि हमने ऐसे उसकी विधि लिख दी, स्वादानुसार इलायची और अदरक भी डाल दो। थोड़ी देर उबलने पर छान कर कप में डाल दो। इस दिन मैंने माँ के निर्देशन से चाय बनाकर माँ, पिताजी और चाचा जी को पिलाई। तो लास्ट में क्या है, मेरे हाथ की बनी चाय किस किसने पी और क्या कहा। तो पहले तो आया किस किसने पी, पिताजी, माँ और चाचा जी ने। उसके बाद क्या कहा, उन्होंने सभी ने मेरी प्रशंसा की। अब मैं कभी कभी चाय बनाकर घर में सबको पिलाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों। तो आपने देखा ना, शीर्षक जो दिए हुए हैं उनके आधार पर ये पूरा पैराग्राफ में ये तैयार हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए आपके अभ्यास में, पेज नंबर 115 में क्वेश्चन नंबर 2, इन प्रश्नों के आधार पर शीर्षक व्यायाम का महत्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसमें क्या क्या पॉइंट है बच्चों, पहला पॉइंट है व्यायाम किस समय करना चाहिए, तो आप इसको पढ़िए और समझिए। व्यायाम क्यों करना चाहिए, व्यायाम करने का स्थान कैसा होना चाहिए, आवश्यकता से अधिक व्यायाम करने से क्या होता है। बच्चों आप चाहें तो इस शीर्षक से भी ये पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं आसानी से समझ समझ के। जैसे कि ये पैराग्राफ मैंने बनाया है, आप एक बार पढ़िए। व्यायाम का महत्व, मानव शरीर एक मशीन की तरह है। जिस तरह एक मशीन को काम में ना लाने पर वह ठप पड़ जाती है, उसी तरह यदि शरीर का भी उचित संचालन ना किया जाए तो उसमें कई तरह के विकार आने लगते हैं, ठीक है। हमेशा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अब देखो मशीन ठप पड़ जाती है मतलब मशीन बंद हो जाती है, और संचालन मतलब उसको चलाने के लिए, ठीक है। यदि शरीर का भी उचित संचालन ना किया जाए, उसको अगर उचित तरीके से ना चलाया जाए, ठीक है, उसमें कई तरह के विकार मतलब कि उसमें खराबी आ जाती है, बीमार होने लग जाते हैं, तो शरीर में बीमारियां, विकार मतलब बीमारियां आने लगती हैं। हमेशा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के साथ साथ व्यायाम करना भी आवश्यकता है, आवश्यक है। व्यायाम हमेशा प्रातःकाल, सुबह के समय, प्रातःकाल मतलब मॉर्निंग में, तथा भोजन करने से कम एक घंटा पूर्व करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह ठीक रहता है। अब अगर व्यायाम करते रहते हैं ना, तो रक्त का प्रवाह मतलब जो हमारी रक्त धमनियां हैं, रक्त धमनियां मतलब कि ब्लड सेल्स, उनका प्रवाह सही हो जाता है, ठीक है। अगर आप रोज़ व्यायाम करते हैं तो खाना खाने से कितने घंटे पहले बोला उन्होंने, एक घंटा पहले, तो शरीर में स्फूर्ति आती है। शरीर के अंगों की कसरत करने से अंग मजबूत बनते हैं। जैसे जैसे आप कसरत करते हो दिन पर दिन, तो आपका मजबूत शरीर बनने लग जाता है, चर्बी अर्थात मोटापा नहीं चढ़ता। व्यायाम सदा खुली हवा में करना अधिक लाभदायक होता है। योगासन भी एक प्रकार का व्यायाम है, परंतु व्यायाम अपनी आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए, ठीक है। योगासन भी एक प्रकार का व्यायाम ही है, परंतु व्यायाम अपनी आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। जितनी आपकी आपकी पहुँच है उतना ही करना चाहिए, अधिक से ज़्यादा नहीं। मतलब कि अगर आप ज़्यादा अपने शरीर को कष्ट देकर व्यायाम करोगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आवश्यकता से अधिक व्यायाम करने से कई बार हमें लाभ की जगह हानि हो जाती है ना। देखो लिखा है इसमें कि अगर हम ज़्यादा व्यायाम करेंगे ना आवश्यकता से ज़्यादा, तो हमें हानि हो जाएगी, हानि मतलब लॉस। अतः अपने शरीर तथा अपने आयु के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। जैसे आपकी आयु है वैसे ही व्यायाम करना चाहिए। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो मन भी प्रसन्न रहेगा, ठीक है, क्योंकि शरीर स्वस्थ तो मन प्रसन्न। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, किसी ने ठीक ही कहा है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अतः समय निकाल कर हमें थोड़ा बहुत व्यायाम नित्य प्रतिदिन अवश्य करते रहना चाहिए। नित्य प्रतिदिन मतलब डेली,
ठीक है, तो इसका मतलब ये अनुच्छेद भी कंप्लीट है। अब आ जाइए लास्ट अनुच्छेद में। लास्ट मैंने आपको दिया है अनुशासन का महत्व, जो कि आपके निम्नलिखित विषयों पर दिए अनुच्छेद पर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको सारे अनुच्छेद नहीं लिखना है, ये सारे अनुच्छेद नहीं आने वाले एग्जाम में, इनमें से सिर्फ अनुशासन का महत्व मैं आपको करवाने वाली हूँ, क्योंकि यह ज़रूरी अनुच्छेद है। ठीक है, अनुशासन का पालन करना हर विद्यार्थी के लिए, हर सैनिक के लिए और हर जो मेहनती व्यक्ति है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, जीवन की परीक्षाओं में भी अनुशासन का महत्व बहुत ज़रूरी है। अनुशासन का महत्व, अनुशासन का अर्थ है हमेशा निर्धारित समय के अनुसार कार्य करना, उचित अधिकारी के आदेश का पालन करना ही अनुशासन है। बच्चों अनुशासन का अर्थ है हमेशा निर्धारित, मतलब दिए गए नियमों का के अनुसार कार्य करना। उचित अधिकारी के आदेश का पालन करना मतलब कि आपको जो भी अधिकारी, जो भी आपका हेड है ना, वो आपको जो बोलता है आपको वो करना, उसका पालन करना ही अनुशासन है। अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है, हर जीवन के क्षेत्र में आवश्यक है, क्योंकि जब जब आप जीवन में कोई भी परीक्षा, कोई भी मतलब कोई भी कंपटीशन लेते हो, तो उसमें हमेशा अनुशासन का पालन करोगे ना, तो वो कंपटीशन की प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी और आप सफल भी होगे। हम लोग घर में भी कुछ नियमों का पालन करते हैं, यदि हम लोग ऐसा ना करें तो परिवार में शांति और व्यवस्था नहीं रहेगी। ये बात सच है कि अगर हम नियमों का पालन ना करें, जल्दी उठ के ट्यूशन लेना, नहीं क्लास लेना, स्कूल जाना, टाइम पर होमवर्क करना, टाइम पर भोजन करना, ये सब हमें हमारे नियम, घर में भी कुछ नियम हैं जो हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, इससे हमारे परिवार में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। विद्यालय में विद्यार्थियों को यह सिखाया जाता है कि दूसरों के साथ किस तरह का बर्ताव करें और उन्हें पढ़ो तथा शिष्यों का आदर करने की शिक्षा दी जाती है। दूसरों के साथ किस तरह का बर्ताव करें, ये भी हमें अनुशासन से ही पता चलता है। जैसे विद्यार्थियों को सिखाया जाता है कि दूसरों से कैसा बर्ताव करो, कैसा आपका बिहेव होना चाहिए, और बड़ों और शिक्षकों का आदर करने की शिक्षा दी जाती है। आपने देखा होगा, आपको हमेशा बोला था टीचर को, हमेशा गुड मॉर्निंग, हेलो मैम, ऐसा करना चाहिए विद्यार्थी। इससे क्या होता है कि आप टीचर का आदर प्रकट कर रहे हो, टीचर के प्रति आदर। इसी तरह बड़ों के प्रति भी आदर प्रकट करने के लिए हम उन्हें ग्रीट करते हैं। ठीक है, विद्यालयों का नियम पालन किए बिना वह अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर सकते। चरित्र मतलब कैरेक्टर, ठीक है, पालन मतलब नियम, पालन मतलब कि रूल फॉलो। ठीक है, विद्यालयों का रूल फॉलो करने किए बिना वह अपने चरित्र, अपने कैरेक्टर का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, निर्माण मतलब बना नहीं सकते अपने अपनी कैरेक्टर को। वह अनुशासन कायम ना रखें तो शिक्षकों के लिए उन्हें अच्छी तरह शिक्षा देना कठिन हो जाएगा। अगर विद्यार्थी अनुशासन पालन ना करें, अनुशासन में ना रहें, तो टीचर्स के लिए भी मुश्किल होगा उन्हें पढ़ाना। खेल की मैदान में भी उन्हें खेल के नियमों का पालन करना पड़ता है। कभी कभी देखा होगा आपको, आपके जो स्पोर्ट टीचर हैं वो भी आपको बोलते हों किसी को मारना नहीं है, किसी को धक्का नहीं मारना है जानबूझ के। तो ये भी कुछ खेल के नियम होते हैं, उनका पालन आपको करना होता है। सैनिकों को अपने सेनापतियों की आज्ञा माननी पड़ती है। बेटा सेनापति मतलब उनका हेड कमांडर, सेना का, सैनिकों का, है ना, आर्मी का जो कमांडर होता है ना, उसको बोलते हैं सेनापति। ठीक है, तो उनकी आज्ञा मानना पड़ती है सैनिकों को। यदि सैनिकों में अनुशासन ना रहे, ये है आ रहे नहीं, इसको करेक्शन करो, ना रहे, तो युद्ध में विजय नहीं हो सकती। यहाँ आएगा ना रहे, ठीक है, तो किसी भी युद्ध में, किसी भी फाइट में, वॉर में वो विजय नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें अनुशासन पालन करना पड़ता है। अनुशासन देश को महान बनाता है। अनुशासन जीवन की सफलता का सोपान है। सोपान मतलब एक बहुत अच्छा उपहार है। यह चरित्र मस्तिष्क और शरीर में शक्ति प्रदान करता है। चरित्र मस्तिष्क और शरीर में शक्ति प्रदान करता है ना, आपके दिमाग में और आपके शरीर में भी शक्ति प्रदान करता है। या एकता और सहयोग लाता है। एकता मतलब सबको एकजुट रह के काम करना, और सहयोग, एक दूसरे का सहयोग लेना। बिना अनुशासन के समाज और देश में अराजकता फैल जाती है। अराजकता मतलब आपराधिक गतिविधियां, अराजकता, एक दूसरे पर विश्वास ना करना, एक दूसरे को धोखा देना, तो ऐसा अराजकता का माहौल फैल जाता है। अनुशासन रहित व्यक्ति अच्छे नागरिक नहीं हो सकते। अनुशासन की आदत, नागरिक मतलब बेटा
हाँ नागरिक मतलब होता है कि हम लोग, हम नागरिक है ना, हम इस देश के नागरिक हैं, तो उन्हें बोलते हैं नागरिक। अनुशासन की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए, इसकी कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। उपेक्षा मतलब कभी भी हमें अनुशासन ना करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अनुशासन करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहिए कि अनुशासन का पालन करो। ठीक है, तो ये आपका जो अनुच्छेद लेखन है वो चैप्टर हो गया है। आप ये समझिए, और अगर अभी भी डाउट हो तो आप क्लास में रिवीजन के टाइम भी कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद।